हेलो फ्रेंड्स, रैंकर सड्डा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, बिहार दरोगा नया वैकेंसी और सिपाही नया भर्ती जो आने वाला है। वो कल आप पेपर कटिंग में देख लिए होंगे फ्रेंड्स, और यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है उससे संबंधित नया वैकेंसी को लेकर। मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं था लाइन ड्यूटी में और मुझे टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यों वैकेंसी में लेट हो रहा है, कब तक वैकेंसी आने का चांस है, और आपको अभी इंतज़ार करना चाहिए कि तैयारी करना चाहिए। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कल के डेट में पेपर में भी दिया गया था, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर का शायद का पेपर कटिंग था, मेरे पास भी आया था, ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, तो आपने देख भी लिया होगा। बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो अपलोड हो चुका है, वहाँ से भी आप देख लिए होंगे। तो अब तो कंफर्म है कि अब नो वैकेंसी आएगा ही, और पहले से ही चर्चा चल रहा था फ्रेंड्स। मैं एक वीडियो भी बनाया था, वो भी आप देख, बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिला लगभग, और वैकेंसी आएगा, सिपाही का भी भर्ती आएगा। कल देखे थे आप ट्विटर पर भी, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो ट्वीट किए थे कि मतलब जो अपराध है वो थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई किया जाएगा, और नया भर्ती में तेज़ी से नया भर्ती तेजी में तेज किया जाएगा। तो वही सब है बात है फ्रेंड्स, और वैकेंसी आएगा ये तो कंफर्म है। अभी वैकेंसी इसलिए देरी हो रहा है क्योंकि ईएसआई का भी चल रहा है। सबको पता है कि बीपीएसएससी जो है, बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन जो है, जो आयोग है, वही दरोगा का वैकेंसी चाहे दरोगा के स्तर का वैकेंसी कंडक्ट करता है। ठीक है, वही लेता है, और उसके हाथ में एक 22 से 13 वाला था, 24 से 46 क्लियर किया, उसके बाद 22 से 13 था, 22 से 13 को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके ईएसआई का वैकेंसी जो है, अभी वर्तमान में अभी आपको पता होगा कि इंटरव्यू चल रहा है उसका, 8 तारीख से इंटरव्यू शुरू हुआ है, उसका वैकेंसी क्लियर होगा, तुरंत रिजल्ट देगा, और इंटरव्यू क्लियर करके रिजल्ट देगा, फिर तुरंत नया वैकेंसी देगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि अभी कंटिन्यू है एक वैकेंसी ईएसआई का, इसीलिए वैकेंसी में देरी हो रहा है। और दूसरा चीज़ कि राजगीर में भी एकेडमी खाली नहीं है, इसी तरह सब प्रोसेस करके 22 से 13 का भी मेडिकल चल रहा है। मेरा भी मेडिकल है फ्रेंड्स, सारण रेंज का, बट अभी डेट भी नहीं आया है, इसलिए मैं ड्यूटी पर आ गया, यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, डेट आएगा तो मैं भी जाऊँगा। तो आपको सब ओवरऑल करना ये है फ्रेंड्स, कि अभी से आपको तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि जब वैकेंसी आएगा ना, तो आपको टाइम नहीं देगा। 24 से 46 में हुआ ये, उस टाइम भी मेंस के टाइम मेडिकल मतलब कोरोना आ गया, तो 1 साल का टाइम मिल गया। इधर 22 और 13 पीटी के टाइम 1 साल का गैप मिल गया। ठीक है, इसीलिए अच्छा खासा तैयारी हो गया, फ्रेशर का भी बढ़िया हो गया, मेरा भी खैर हो गया, नहीं तो मुश्किल होता अगर 3 महीने के अंदर एग्जाम ले लेता तो। तो मेरा सलाह यही रहेगा फ्रेंड्स, कि आप अभी से ही जोरदार तैयारी में लग जाइए, जितना सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, जितना भी मैं अपना ओएमआर सीट दिखाऊंगा फ्रेंड्स, कैसे मैं 35 क्वेश्चन सही करता था, 20 25 35 क्वेश्चन सही करता था शुरू में, अभी 78 क्वेश्चन सही करके अपना मैं मेरिट बनाया, फाइनल मेरिट तक पहुंचा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। आप वीडियो अपलोड है वहां पर देखिएगा, कम से कम 60 से 65 ओएमआर सीट दिखाया हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं। और तैयारी आप अभी फुल्ली तैयारी कर दीजिए, मतलब स्टार्ट कर दीजिए, वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए आप। वैकेंसी का इंतजार वो करेंगे जिनका मेरिट नहीं बना, मेंस थोड़ा बहुत से रह गए, वो सही है उनके लिए, जो मेरिट में छंट गए उनके लिए कि वो इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि उतना तैयारी है उनका, थोड़ा सा रिविजन करेंगे कर लेंगे। लेकिन जो लोग का ख्वाब है कि नहीं हम भी एसआई की तैयारी करें, वो लोग के इंतज़ार नहीं करें, अभी से तैयारी शुरू कर दें, और बहुत ज़ोरदार तरीके से, क्योंकि बहुत दरोगा बनने की चाहत बहुत लोग रखने वाले हैं और बहुत तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए आप लग जाइए, अच्छा से तैयारी कीजिए। मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ फ्रेंड्स बीएसएससी का, देखिए हम लोग का तो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, तभी मैं अभी पढ़ रहा हूँ, सेट उट लगा रहा हूँ, आज हूँ रेस्ट पे, तब तक पढ़ाई लिखाई हो रहा है। आप लोग भी नया वैकेंसी आने वाला फ्रेंड्स, वो बिहार पुलिस का हो या बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, इसी तो दोनों का वैकेंसी आने वाला है, जिनका जो रिक्वायरमेंट है वो आप कीजिए, तैयारी अभी से कीजिए, वैकेंसी का इंतजार आप मत कीजिए, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, लास्ट लास्ट अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, कन्फर्म रहिए कि आएगा। और जब भी आएगा 2 से 3 मंथ का टाइम देगा, आप फुल्ली तैयार रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज बाहर हो जाएंगे। पीटी में भी जैसे बहुत लोग होंगे जो तो 17 17 में भी छट गए, 24 से 46 में भी छट गए, 22 से 13 में भी छट गए, और इसमें भी छट जाएंगे अगर सही से अभी से नहीं लगेंगे तो। यही सत्य है फ्रेंड्स, और जो अच्छा से तैयारी करेगा वो निकल जाएगा। तो ख्वाब जो आप देखे हैं उसको पूरा करने के लिए अभी से लगना होगा, और लगिए तभी आपका हाथ में आ पाएगा ये सही का जॉब। ठीक है, नया वैकेंसी आएगा फ्रेंड्स, पुलिस का भी आएगा, सिपाही का,
दरोगा का भी आएगा, बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि आप तो पेपर के माध्यम से भी देख चुके हैं, नीतीश कुमार जी हैं उनका ट्वीट भी देख चुके हैं, ठीक है। और यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब पर उतना समय ना देकर अपने पढ़ाई को समय देना है और अच्छा से तैयारी करना है। जो भी डाउट होता है फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट कीजिए, खुशी खुशी मैं रिप्लाई देता हूँ, वहाँ से हो जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम का आईडी भी दिख रहा होगा, आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन हो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं वहाँ ज़रूर बात करूँगा आपसे। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना एमआर शीट दिखाऊंगा, वो देखिएगा आपको मोटिवेशन मिलेगा कैसे मैं 35 से मतलब 70 नंबर से 151.6 पर मेरिट बनाया अपना, ठीक है, ड्यूटी करते हुए भी। चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।